सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले थैंक यू टू ऑल ऑफ यू लास्ट कुछ वीडियोस पे इतना प्यार दिखाने के लिए, और इतने प्यार के साथ साथ हमारी फैमिली में काफी सारे न्यू सब्सक्राइबर्स ज्वाइन हुए हैं। सो उन सब के लिए एक छोटा सा इंट्रो। हाय, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त जनित जायसवाल एंड आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, और ये वीडियो उसी बात से रिलेटेड होने वाली है। So, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। So, भाई ये बात तो हम सबको बताएगी, लास्ट ईयर तक डीयू में एंट्री लेने के दो मेथड थे। या तो कुछ कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता था जिसका नाम था जैट, या फिर दूसरा मेथड था अपना वही कन्वेंशनल जिसमें 12th के मार्क्स के बेसिस पे कोर्सेज अलॉट होते थे। बट इस साल डीयू ने सभी कोर्सेज के लिए एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था CUET, और ये सभी बातें बताई मुझे आप लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन में। और साथ ही मुझे ये भी पता चला कि आप में से काफी सारे लोगों को जाकिर हुसैन कॉलेज अलॉट हुआ है, चाहे वो इवनिंग हो या फिर मॉर्निंग। लेकिन हाँ, यू गाइस आर इन जाकिर हुसैन। तो भैया आज हम तुम्हें बताएंगे कि जाकिर हुसैन कॉलेज में आ रहे हो तो इसकी वर्स्ट थिंग और बेस्ट थिंग क्या होगी। सोनल चल तू बता पहले। आप में से काफी सारे लोगों ने सीट ले ली है, फ्रीज कर दी है, और काफी सारे कंफ्यूज हो कि भाई लें या ना लें, कॉलेज अच्छा है कॉलेज बुरा है, पढ़ाई कैसी है, इंफ्रा कैसा है। सो आपके इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि जितने भी मेजॉरिटी क्वेश्चंस हैं जो अभी तक कमेंट सेक्शन में आए हैं, जितने भी आप लोगों ने मेरे को इंस्टा पे मैसेज करके पूछे हैं, आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। एंड जस्ट इन केस अगर कोई एक आधा डाउट आपका रह भी जाता है तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, या फिर अगर कमेंट सेक्शन में ना पूछ पाओ सो हियर इज माय इंस्टाग्राम आईडी, यू कैन टेक्स्ट मी देयर एनी टाइम यू वांट, एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारे सवालों को आंसर करूं। बिल्कुल भी नहीं आओगे तो पछताओगे। आई रेटेड 9 आउट ऑफ 11। आई रेटेड 9.9। और यहां नई बिल्डिंग बनी है, वहां पे पेंट कैश होगा। लोग रेट कर रहे हैं, डोंट कम हियर। तो जो सबसे पहला पॉइंट होने वाला है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि जब भी हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या फिर हमारा टाइम आता है कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो हमारे दिमाग में एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली इमेज बन जाती है कि ऐसा कॉलेज होगा, ऐसी बिल्डिंग होगी, ऐसा एनवायरनमेंट होगा। सो लेट मी टेल यू, स्टूडेंट ऑफ द ईयर कॉलेज स्टूडेंट ऑफ द ईयर तक ही रहने दो, क्योंकि जब तुम DU में आ रहे हो तो वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर से वैसी उम्मीदें मत लगाना। और ये शक्ल देखने में दिखाइए भाई, कुछ कुछ भी नहीं दिख रहा, देख ले, ये देखने के लिए आते हैं बताऊं, ये हमारा कॉलेज है। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट कि जाकिर हुसैन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सो लेट मी टेल यू, अपनी होप्स को हाई मत करना वरना वहां जाके बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होगे। हाँ, मैं मानता हूँ पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी बिल्डिंग जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में है। तो बताते हैं जाकिर हुसैन का असलियत, ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये बंद पड़ी है, और ये जो आपको ग्राउंड दिख रहा है ये बंद पड़ा है, ये ग्राउंड है, खंजर है, ग्राउंड है, ये खंजर जगह है। तो जो असली है हमारा वो कॉलेज है, ठीक है ना। सभी ने सोचा होगा बड़ी बिल्डिंग में जाएंगे पढ़ेंगे वहां पे मस्त इंफ्रा होगा, बट ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वो बिल्डिंग जब से तैयार हुई है तब से बंद पड़ी है। हमने 3 साल कॉलेज में गुजारे और एक बार भी उस बिल्डिंग में नहीं गए, बाहर से देखो बस। हमें बीप करना पड़ेगा ना भाई, हमें पढ़ाते नहीं है बस फोटो के लिए दिखा रहे हैं ताकि पता लगे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है जाकिर हुसैन के पास। नहीं और के कितने जो भी जब कॉलेज अथॉरिटी से पूछा गया कि वो बिल्डिंग कब खुलेगी, कब हमें उस बिल्डिंग में पढ़ने का मौका मिलेगा, तो उनका एक ही जवाब था कि काम बचा है, काम पड़ा है, पेंडिंग है, थोड़े दिन में खुल जाएगी, अभी खुलेगी कल खुलेगी। सो उस बिल्डिंग में अभी पढ़ने का ख्याल छोड़ दो, शायद से अगर तुम्हारी किस्मत में हो तो अब खुल जाए, बाकी उम्मीद काफी कम है। ये तो रही बात नई बिल्डिंग की, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन पूछ रहे थे कि भैया नई बिल्डिंग खुल गई, नई बिल्डिंग में पढ़ेंगे नहीं। सो नहीं, नई बिल्डिंग नहीं, ठीक है। एंड अगर बात करें पुरानी बिल्डिंग की तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। दीवारों पे पेंट नहीं है बहुत जगह, दीवारों पे अजीब सी है, पंखे अजीब अजीब आवाज करते हैं। वर्स्ट हो रहा है, अरे जल्दी आ जाओ भाई, हाथ का बात करने। ये तो बात है बिल्डिंग्स की। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि वहां पर ग्राउंड है या कैसा है, क्योंकि तुम सभी लोगों ने फोटोज या वीडियोस में देखा होगा कि DU के सारे कॉलेजेस में, इवन DU के अलावा भी बाकी सारे कॉलेजेस में बड़ा सा ग्राउंड होता है जहां पे सभी दोस्त बैठ के फुल बकचोदी करते हैं। सो आई एम सॉरी, मैं आपकी उम्मीदों पर पानी फेर रहा हूँ, बट जाकिर में वो भी पॉसिबल नहीं है।
जाकिर में ग्राउंड तो है, काफी बड़ा ग्राउंड है, बट वो बंद है। इवन जब मैं 3 साल कॉलेज में था तब तक तो बंद रहा, अब खुल गया या फिर खुल जाए वो तुम्हारी किस्मत। ये ग्राउंड के नाम पे हमारा जंगल है जो हमें पूरी कॉलेज लाइफ नसीब नहीं हुआ। अगर मुझसे पूछो तो मैं जाकिर को इंफ्रास्ट्रक्चर में दूंगा 4 out of 10 या फिर 5 out of 10। सो भाई अब तुम कॉलेज में घुसे, तुमने कॉलेज की बिल्डिंग को देखा, तुमने कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, तुम थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए, बट तुमने अपने मन को मना लिया कि भाई कोई नहीं है तो डी हुई, और तुम यही सोच के बढ़ते गए अपने क्लासरूम की तरफ। और अब बारी आई पढ़ने की, और इसी के साथ आया हमारा सेकेंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन, एजुकेशन। तो भाई इस पॉइंट का एक बहुत ही सीधा और सिंपल सा आंसर है, यानी कि सीधी बात, नो बकवास। DU के सभी कॉलेज में सेम लेवल की पढ़ाई होती है, एक्सेप्ट जो टॉप लेवल के 4 से 5 कॉलेज हैं उन्हें छोड़ के, बाकी सब में 19-20 का फर्क होता है, बाकी ऑलमोस्ट सारी पढ़ाई सेम होती है। पूरे साल टीचर आगे क्लास में कुछ पढ़ाते हैं, बच्चे नहीं पढ़ते, और एग्जाम से 2 रात पहले पूरे साल का सिलेबस कंप्लीट करके पास हो जाते हैं। ये है DU की पूरी कहानी। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज हैज़ वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इन होल DU। सो अगर तुमने जाकिर में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है, सो कंग्रेचुलेशंस। सो एजुकेशन के मामले में मैं जाकिर को दूंगा 7 or 8 out of 10। सो भाई अपन ने कॉलेज में एंट्री ले ली है, कॉलेज में घुस के कॉलेज के इंफ्रा को देख के डिसअपॉइंट हो चुके हो, तुम अपनी क्लासेस की तरफ बढ़ चुके हो, तुमने वहां बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया है, फिर तुम अपने आसपास देखते हो कि वहां का क्राउड कैसा है। और इसी के साथ आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, जो कि है क्राउड। सो यस, क्राउड एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जो कि हम में से बहुत सारे लोगों के लिए कंसर्निंग हो, जिससे हमें फर्क पड़ता हो कि हम कैसे एनवायरनमेंट में जाने वाले हैं या कैसे एनवायरनमेंट में बैठ के पढ़ने वाले हैं। आई बिलीव कि इससे काफ़ी फर्क पड़ता है। इवन आप में से भी काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि जाकिर हुसैन हम जा रहे हैं, वहाँ का क्राउड कैसा होने वाला है। सो लेट मी टेल यू, हम कहीं भी जाएं, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो या कोई भी पब्लिक प्लेस हो या कोई भी स्कूल हो, वहाँ पे हर तरीके का क्राउड होता ही होता है। अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, हर तरीके का क्राउड होता है, और वहीं हमें डील करना पड़ता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे बच्चों के बीच ऐसी लड़कियाँ भी होंगी जो कहेंगी तू को किसने मुड़कर नहीं देखा, कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा। और ऐसे लड़के भी होंगे जो कहेंगे होंडा कुकड़ी कमारदा, होंडा कुकड़ी कमारदा। सो ऐसे में आपको किसको अपना दोस्त बनाना है, आपको किसको अपने ग्रुप में रखना है, ये आप ही डिसाइड करोगे। एंड इफ यू विल आस्क कि मैं क्राउड के मामले में जाकिर को क्या रेट करूंगा, सो आई वुड से 7 out of 10। सो भाई अब तुम कॉलेज में आ चुके हो, तुम इंफ्रा को देख के डिसअपॉइंट हो चुके हो, तुम क्लास में आ चुके हो, तुमने पढ़ना शुरू कर दिया है, तुमने आसपास देख के दोस्त भी बना लिए हैं, लेकिन अब दोस्तों के साथ बारी आती है एंजॉय करने की। और एंजॉय करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है DU में फेस्ट। एंड हमारे डिस्कशन का नेक्स्ट टॉपिक वही है, फेस्ट। सो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने हर कॉलेज के अलग अलग तरीके के फेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, चाहे वो नॉर्थ कैंपस हो, चाहे वो साउथ कैंपस हो, चाहे वो ऑफ कैंपस हो, लेकिन DU के फेस्ट काफ़ी फेमस है। लेकिन बात ये है कि DU के फेस्ट तो ठीक है, क्या जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज का फेस्ट उतना फन होता है या नहीं। सो भाई फेस्ट करने के लिए चाहिए होती है एक बड़ी जगह, और हमारे कॉलेज में एक ही बड़ी जगह थी, हमारे कॉलेज का ग्राउंड, जो कि मैनेजमेंट ने बंद कर रखा है। सो इसीलिए जो एनुअल बड़े फेस्ट होते हैं वो तो मैंने अपने कॉलेज लाइफ की 3 साल की ज़िंदगी में नहीं देखा। अगर तुम मेरे जूनियर्स, तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो शायद तुम देख पाओ। बाकी अगर बात करें छोटे मोटे फेस्ट की जो मंथली होते रहते हैं कभी कभी, वो होंगे क्योंकि उनके लिए ऑडिटोरियम यूज़ होता है, वो ऑडिटोरियम में होते हैं। सो वो फेस्ट होते रहते हैं, वो होंगे भी, क्योंकि हमारे कॉलेज यानी कि जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज का ऑडिटोरियम इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम, बहुत सुंदर है, मजाक से हट के तुम्हें वहाँ बैठ के अच्छा लगेगा। मतलब अगर तुम कॉलेज अपनी क्लासेस से निकल के ऑडिटोरियम में जाके बैठोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि शायद से तुम किसी और कॉलेज में आ गए हो। सो अगर तुम पूछोगे मैं फेस्ट के मामले में जाकिर को क्या रेट करूँगा, सो 0, खत्म।
तो भाई अब तुम सुबह कॉलेज आ गए, तुमने कॉलेज का इंफ्रा देख के तुम डिसअपॉइंट हो गए, तुम क्लासेस में चले गए, तुमने पढ़ाई शुरू कर ली, तुमने दोस्त बना लिए, दोस्तों के साथ तुम फेस्ट एंजॉय नहीं कर पाए और अब बारी आती है वापस घर जाने की। सो वही है हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, कनेक्टिविटी। सो भाई हम जब भी कहीं जाते हैं, फिर चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई घूमने फिरने की जगह हो, सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि वहां पहुंचना कैसे है, कि क्या हम बस से जाएं, मेट्रो से जाएं, कैब से जाएं, बाइक से जाएं, गाड़ी से जाएं, कैसे जाएं। सो लेट मी टेल यू, जाकिर हुसैन की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। आपको कॉलेज के पास दो मेट्रो स्टेशन मिलते हैं, एक है दिल्ली गेट और एक है न्यू दिल्ली, और दोनों ही लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे हैं, सो वॉकिंग डिस्टेंस है। और अगर वॉक ना कर पाओ सो रिक्शाज भर भर के चलती हैं, जो कि सिर्फ 10 रुपये लेती हैं कॉलेज जाने के, और सेम कॉलेज से वापस मेट्रो स्टेशन आने के 10 रुपये। और अगर मेट्रो तुम प्रेफर ना करो ट्रेवल करने के लिए, सो सेकेंड ऑप्शन इज बस। कॉलेज के गेट के बिल्कुल सामने ही बस स्टॉप है, जो कि है जाकिर हुसैन कॉलेज का बस स्टॉप। सो अगर तुम मुझसे पूछो कि मैं कनेक्टिविटी में कितना रेट करूंगा जाकिर को, सो आई वुड से 9 or 10 out of 10। एंड नाउ आई हैव बिलीव कि मैंने आप लोगों के मोस्टली क्वेश्चंस आंसर कर दिए होंगे, बट स्टिल अगर कोई क्वेश्चन मुझसे रह गया या फिर आप लोगों के मन में अभी भी कोई डाउट है, सो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू गाइस। और अगर वैसे तो मैं मोस्टली सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने का ट्राई करता हूँ, बट अगर कोई कमेंट मिस हो जाए, सो हियर इज माई इंस्टाग्राम ID @explorewithjanith। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर माई इंस्टाग्राम, यू कैन DM मी एनी टाइम, और मेरे को जैसे टाइम मिलेगा आई ट्राई टू रिप्लाई। और ये वीडियो अपने सभी ZSDC वाले दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि जितनी नॉलेज या जितने डाउट्स तुम्हारे क्लियर हुए हैं उनके भी हो जाएं। बाकी कुछ भी हो, यू कैन टेक्स्ट मी ओवर इंस्टाग्राम, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तुम्हारे डाउट्स क्लियर हुए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और कॉन्ग्रेचुलेशन इन सबको एडमिशन मिला DU में।